इस मुद्दे पर बात करने का हमारे साथ जो है अविनाश गुरक्षकर जुड़ चुके हैं। अविनाश सर नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा कि ये सितंबर 2021 से डील की शुरुआत हुई थी, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, डील हो रही है नहीं हो रही है, आखिरकार अब ये हो गया कि डील नहीं हो रही है, कैसे देखते हैं आप और शेयर पे कितना असर होता हुआ दिखेगा इसका? मनीष, मुझे लग रहा है कि देखिए, डील ना होना ये अभी मार्केट को मोर लेस तय था, लेकिन अभी फाइनली ऑफिशियल वर्जन आया है तो आज के सत्र में तो काफी गिरावट आपको जी के शेयर में देखने को मिलेगी। और ये जो 90 मिलियन डॉलर का जो टर्मिनेशन डिमांड जो सोनी ने किया है, वो भी एक नेगेटिव सरप्राइज है जो डेफिनेटली मार्केट्स को मैनेजमेंट से कमेंट्री से पता चलेगा। हालांकि इंडियन मैनेजमेंट ने, जो जी का मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है कि हम इसको इसका विरोध करेंगे, बट डेफिनेटली मोटा मोटी यही लग रहा है कि ये डील जो बहुत एक्सपेक्टेड थी कि मीडिया सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से एक मर्जर होगा, तो ये नहीं होगा तो डेफिनेटली जी के लिए नेगेटिव है। बट मैं ये भी कहूंगा कि लॉन्गर टर्म में देखिए, अभी ये डील नहीं होती है तो दूसरे जो कंटेंडर्स है ये डील के लिए, वो शायद अभी आगे आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी के पास कोई वैल्यू नहीं है, इनके पास बहुत अच्छी कंटेंट वैल्यू है, अच्छा OTT काइंड ऑफ उनका बुके है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़े समय के बाद मार्केट डिस्काउंट करेगा, बट एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म मनीष, हो सकता है कि आज स्टॉक गैप डाउन खुले और उसके बाद वो कहाँ संभलता है वो डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, आगे वो क्या करेंगे, बट डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज जी के शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है अविनाश सर, आपने दो बात बोली, एक तो नेगेटिव सरप्राइज है, दूसरा आप कह रहे हैं गैप डाउन खुलेगा, तीसरा CLSA का नोट कह रहा है 180 तक जा सकता है। मैं मान लूं सर अपने दिमाग में और दिलो दिमाग में कि 180 तक या 200 तक मेरे को जी मिले तो खरीद लेना चाहिए, क्योंकि सर ये तो तय है ना कि 4% होल्डिंग के साथ प्रमोटर तो नहीं चलाएंगे कंपनी को, कोई ना कोई और ही आके चलाएगा फिर से, सोनी नहीं तो कोई और सही। यही इम्पोर्टेंट बात है कि 180 या 200 रुपए तक आता है तो जो इन्वेस्टर थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए पोजीशन लेना चाहता है कि देखिए, ये कंपनी में वैल्यू जरूर है। हालांकि इसके अकाउंट्स अभी भी मार्केट का मानना है, काफी एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ पे काफी ऐसे इरेगुलरिटीज है जो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो चुके हैं, बट इनकी जो कंटेंट लाइब्रेरी है, इनका जो ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, ये बात तय है कि ये बहुत अच्छा एसेट है। अगर सोनी नहीं तो कोई दूसरा MNC पार्टनर या कोई लोकल पार्टनर इसको अगर खरीदता है और अगर वापस डिस्कशन शुरू होते हैं तो वापस जी के शेयर में आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। बट ये शायद इतना जल्दी ना हो, ये शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली नेगेटिव खुलेगा, बट लॉन्गर टर्म में 175-180 का लेवल आता है तो डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है, इसमें अच्छी वैल्यू बन सकती है। तो सीधे तौर पर अविनाश सर की तरफ से कि थोड़ा नीचे गिरावट आता है, 170 175 के जोन में आता है तो आप इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं लंबी अवधि के नज़रिए के लिहाज से। अविनाश सर शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए और बताने के लिए। डिम्पी, चूंकि जी पे मैं आपसे थोड़ा 30 सेकंड में समझना चाहता हूँ, आप भी लगातार जी को लेकर कवर करते रहे हैं, लगातार इस पर अपना इनसाइट देते रहे हैं, क्या लगता है यहाँ से कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, चूँकि आज तो FNO बैन में है? देखिए बैन में है, यही भी एक बड़ा पॉइंट है नोटिस करने वाला, तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कि एक बार शॉर्टिंग होने के बाद वापस सेकंड राउंड की शॉर्टिंग मार्केट के अंदर आएगी, ये तो क्लियर कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए डील के कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी कि कैंसिल हो सकता है, तभी तो टाइम लिए जा रहे थे बार बार, नहीं तो डील करनी होती तो फर्स्ट मीटिंग में ही हो जाती, ये सेकंड मीटिंग और थर्ड मीटिंग तक ड्रैग क्यों हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये 280 से इस डील की चर्चा शुरू हुई थी 231 तक, यानी कि 50 रुपये तो ऑलरेडी तोड़ चुका है ये। आज CLSA की नोट अगर मैं मान भी लूँ और सारी ब्रोकिंग हाउसेस का आपने जो टेबल बनाया हो ना उसमें से आप ये चीज़ नोटिस कर लीजिए कि किसी ने भी 180 के नीचे के प्राइजेस नहीं दिए हुए हैं, ज़्यादातर ने एवरेज 195 के दिए हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि 30-40 रुपये जी और खाली होगा, उसके बाद एक वैल्यूएबल स्टॉक बन जाएगा। मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ, जी के 4% प्रमोटर के साथ वो शेयर होल्डिंग के साथ ही शेयर नहीं चलेगा, इस शेयर को चलाने के लिए कई और लोग चाहिए, और मैनेजमेंट चाहिए, और लीडरशिप चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर सोनी से बात ही क्यों हुई होती? हो सकता है, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन सोनी से बड़े जायंट भी आ सकते हैं मार्केट के अंदर, तो इसलिए ये चीज अभी आपको इसको एक वैल्यूएबल पिक के तौर पर रखना है। दूसरी बात, जिन्होंने सिर्फ इस डील के लिए लिया था उनका तो काम हो गया तमाम, वो तो साइड में बैठ जाए, लेकिन जिसने जी को खरीदा है, जी एंटरटेनमेंट को खरीदा है कि मैं इनके बिजनेस को खरीद रहा हूं, 56% मार्केट शेयर को खरीद रहा हूं, आने वाले दिनों में OTT कारोबार का ग्रोथ देखता हूं, मैं इसकी वैल्यूएशन अच्छी मानता हूं,
उसके लिए अभी भी बने रहना समझदारी है, ऑल्टोस का उसके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, ये मेरा एक पॉइंट है सिर्फ कहना यहाँ पे। और डेरिवेटिव डाटा तो ये अलाउ भी नहीं करेगा कि बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग आए, क्योंकि ऑलरेडी बैन में है। आपके जो अंदर के लोग हैं सिर्फ वही बाहर निकलेंगे, नया लोग तो बैन भी नहीं कर सकते, शॉर्ट भी नहीं कर सकते, जो करेंगे इंट्राडे ही करेंगे।